निर्विचार होने के बारे में कुछ विचार आगे। आनंद और आत्मा न समझे, आनंद और सत्य अलग न समझे, स्वयं और सत्य अलग न समझे। ऐसी जो प्रक्रिया का उपयोग क्रमशः अपने जीवन में करेगा, वह कभी निर्विचार को अनुभव कर लेता है। निर्विचार को जो अनुभव कर लेता है, उसकी पूरी विचार की शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे किसी ने अंधेरे में प्रकाश कर दिया हो, या जैसे किसी ने अंधे को आँख दे दी हो, ऐसा अनुभव उसे होता है निर्विचार होने के बाद। यह अगर क्रमिक साधना इसकी हो तो निश्चित ही उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और हकदार है निर्विचार होने के लिए। जो अपने अधिकार को मांगेगा उसे मिल जाता है, जो उसे छोड़े रखता है वह खो देता है। आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि अगर हमें इंजीनियरिंग सीखनी हो, टेक्नोलॉजी सीखनी हो, तो हमें दूसरों का विचार स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर हमें प्रेम सीखना हो, तो हमें दूसरों का विचार नहीं लेना होगा। टेक्नोलॉजी में और धर्म में यही अंतर है। जो चीज सीखी जा सकती है वह पदार्थ से संबंधित होती है, और जो चीज नहीं सीखी जा सकती वह परमात्मा से संबंधित हो सकती है। परमात्मा को सीखा नहीं जा सकता, नहीं तो फिर स्कूल कॉलेज खोल लेंगे और सब मामला आसान हो जाएगा। इस बात का स्मरण रखिए आप कि साइंस सीखी जा सकती है। साइंस यानी विज्ञान दूसरों के अनुभव का निचोड़ है, धर्म नहीं। धर्म तो आपका अपना अनुभव है, और यही धर्म और साइंस बड़ी विभिन्न दिशाएं हैं। साइंस हमेशा परंपरा है, पर धर्म परंपरा नहीं है। साइंस पर एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के कंधे पर खड़ा होता है, और धर्म पर अपने ही पैरों पर खड़ा होना होता है। किसी का कंधा सहारा नहीं बन सकता। न्यूटन को हटा दे तो आइंस्टाइन की खड़े होने की जगह न रह जाएगी। यदि महावीर बुद्ध को हटा दे फिर भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। सवाल यह नहीं है, धर्म निजी और व्यक्तिक अनुभव है, साइंस सामाजिक अनुभव है। इसीलिए साइंस सीखी जाती है। उसके कॉलेज हो सकते हैं, उसकी संस्थाएं हो सकती है। सत्य नहीं सीखा जा सकता, सत्य तो स्वयं साधा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। वह हमेशा निजी है, और निजी है इसीलिए अद्भुत है। साइंस की दिशा अलग है और धर्म की दिशा अलग है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।